देखो बेटा, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इट कैन कम इन टू 3 मार्क कैटेगरी इन योर हॉट्स एग्जामिनेशन. ठीक है, हॉट्स में आ सकता है. 2y + 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81. अब देखो, इसको फैक्टराइजेशन से करना है, इसको सॉल्व करना है. मतलब क्या, y की वैल्यू निकालनी है, y की कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि यहां पर स्क्वायर है. देखो, इट इज अ इक्वेशन, तो हियर यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ y. ठीक है, दिस और दिस. अब सोचना, यहां पर है a प्लस बी द होल स्क्वायर. बच्चे लोगों का पहला एकदम मन में क्या आता है कि भाई चलो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर देते हैं. लेकिन अगर तुम a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हो तो तुमको मिलता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. उससे तुमको स्क्वायर ही मिल रहा है ना, तुमको सिंप्लीफाई कुछ नहीं मिल रहा है. यू आर गेटिंग द बिग बिग टर्म्स ओनली. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंप्लीफाई इट. कहने का मतलब क्या है, 2y + 3 द होल स्क्वायर -81 इक्वल टू 0. देयरफॉर 2y + 3 द होल स्क्वायर -9² इक्वल टू 0, क्योंकि 81 कैन बी रिटन एज 9². अब ये कैसे दिख रहा है अपने को, किस तरह से दिख रहा है अपने को, ये a स्क्वायर b स्क्वायर. सो दिस कैन बी रिटन एज, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस b इनटू a माइनस b. देयरफॉर एक सेकेंड ना, हाँ, सो यू विल गेट a प्लस b इनटू a माइनस बी. ये ए है, ए क्या है तुम्हारा 2y + 3, बी क्या है 9 है. तो ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू 0. देयरफॉर 2y + 12 इंटू 2y - 6 इक्वल टू 0. 2y + 12 इक्वल टू 0 और 2y - 6 इक्वल टू 0. 2y = -12 और 2y = 6. आगे का तो मैकेनिकल स्टेप्स है, लेकिन पहला स्टेप भी बच्चों क्लियर नहीं होता. कितनी बार देखा गया ही है, देखो y = -12/2 और y = 6/2. देखो y = -6 और y = 3. ये तो बच्चों लोगों को समझ आ जाता है, लेकिन पहला स्टेप भी क्लियर नहीं होता. बच्चों इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है. ये फॉर्मूला इतना खास क्यों है, क्योंकि स्क्वायर को लीनियर में कन्वर्ट करता है, स्क्वायर पावर को पावर वन में कन्वर्ट करता है, इसीलिए ये सिंप्लीफाई करता है. बहुत बार तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ये फॉर्मूला यूज करोगे, है ना. तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपने को आ गया, और आगे तो मैकेनिकल स्टेप्स थे. सो बेसिकली वी हैव s का वैल्यू गिवन टू यू, n इंटू n प्लस 1 बटे 2. फाइंड n इफ s इज 276. अब बच्चे बहुत बड़े क्वेश्चन देखते नहीं है, उनको लगता है कुछ डिफिकल्ट है एकदम. कुछ नहीं है, s का वैल्यू दिया है 276 और तुमको इक्वेशन दिया है, तो क्या करने का, s के बदले 276 पुट कर देने का. 276 विल बी इक्वल टू n इनटू n प्लस 1 बाय 2, और ये n नेचुरल नंबर है याद रखना. तो इसको अभी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 276 इनटू 2 इक्वल टू n इनटू n प्लस 1. 276 इनटू 2 इज 552. And that is equal to n into n, n square plus n. Up n square plus n minus 552 equal to 0. क्योंकि तुमको एक quadratic equation बनाना है इसका. So you get this particular thing now. You can, अगर exam में click नहीं हो रहा है ना, तो 552 को ऐसे करके देखो. तो 2 से, तो ये हो जाएगा 276 ना. फिर 2 जा 38, है ना. फिर 2 जा ये हो जाएगा 6, 1 बच जाएगा 9. 3 जा 2 3 and 23 1 जा. तो ये देखो 2 into 2 4 4 into
और सब्रैक्शन है तो यहाँ पर एडिशन या पर सब्रैक्शन, तो तुम प्लस माइनस करोगे तो तुमको एनी मिलेगा। फैक्टराइजेशन से तुमको क्लियर, मैंने तुमको बोला फैक्टराइजेशन अच्छे से बताया, तुमको वो अच्छे तरह से आना चाहिए। देखो एन स्क्वायर प्लस 24n माइनस 23n माइनस 552 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर तो ये तुमको समझ में आना चाहिए बेटा कि माइनस है तो तुम्हारा आंसर प्लस माइनस होगा, और n है मतलब 1 है, तो देखो प्लस 24 माइनस 23 प्लस 1 प्लस 1 n, अगर इसको n लूँ तो मैं, तो इस तरह से तुमको सोचना है। तो n कॉमन ले लो, n प्लस 24 माइनस 23 कॉमन लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा n प्लस 24 इक्वल टू जीरो, देयरफॉर n माइनस 23 एंड n प्लस 24 इक्वल टू जीरो, और n इक्वल 23 और n इक्वल टू माइनस 24। अब दो आंसर, लेकिन n तुम्हारा नेचुरल नंबर है, देयरफॉर n कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 24, विल बी ओनली इक्वल टू 23, दैट इज द आंसर। सो क्वेश्चन देखो क्या है, थ्री हॉर्सेस ए बी सी आर इन अ रेस, तो तीन घोड़े हैं ए बी सी, क्या बोला है, ए इज ट्वाइस टू विन एस बी, मतलब ए के दुगना गुना चांस है बी से ज्यादा जीतने के लिए, कुछ भी हो सकता है रीजन, अच्छा खाना दिया होगा उसको, अच्छी तरह से उसको तैयार किया होगा, प्रैक्टिस ज्यादा कराई थी, एंड बी इज ट्वाइस एज लाइक टू विन एस सी, ठीक है बेटा। तो ये तुमको कंडीशन दिए, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग, तो पहले तो दिमाग चलना चाहिए कि क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन तुम्हारे प्रोबेबिलिटी का है। अब देखना, अगर ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है तो इसको पहले तो मैं लिखूंगा कि ए की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो देखो तुम लोग देखना बच्चा इंटरेस्टिंग तरीके से, लेट द प्रोबेबिलिटी, लेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ horses A B C B P of A P of B P of C, तो इनकी probability P A होने दो, P B होने दो, P C होने दो, ये तरीके से हम लिखते हैं बराबर के नहीं। अब क्या बोला है इन्होंने, condition क्या दिख रही है इन्होंने, इन्होंने condition क्या दिया, A is twice to win as B, probability of A is twice the probability of B, इक्वेशन नंबर वन, बी इज ट्वाइस माइनस सी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, क्या बात है। अब सोचना अच्छी तरह से, पी ऑफ बी का वैल्यू अपने को मिल गया, कैन आई पुट टू इन इक्वेशन नंबर वन, मैं क्यों कर रहा हूं मैं तुमको बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मैं पुट कर सकता हूं इक्वेशन नंबर वन में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बदले क्या पुट करूंगा मैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बदले मैं क्या पुट करूंगा, चेक करना सब लोग, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैं इधर पुट कर सकता हूं, तो टू इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आ जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल टू फोर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ऐसा मैंने क्यों किया मैं बताऊंगा तुम लोगों को। तो देखो ए इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एस बी, बी इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एस सी, तो ये तो गिवन इंफॉर्मेशन थी, दिस वॉज अ गिवन इंफॉर्मेशन। अब मैंने पी ऑफ ए, देखो ये क्या था स्टार्टिंग में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी थी इक्वेशन नंबर टू में, मैंने वो पुट कर दी, अब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल चुका है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तो सी के टर्म्स में ही होगा, तो देखो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी के टर्म्स में मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी के टर्म्स में मिल गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी तो सी के टर्म्स में ही होगी। अब तुमको मैं एक चीज बताता हूं बेटा, वी शुड नो वन थिंग नाउ,
टोटल प्रोबेबिलिटीज विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन. वी नो दैट टोटल प्रोबेबिलिटी 100%, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट इज 1, 1 के ऊपर नहीं हो सकती. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का क्या मिला? प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. बेटा इसको अच्छी तरह से लिखता थोड़ा सा, आपको दिखे वैसा. ठीक है सब जन देखना बेटा प्लीज ध्यान से, मैं वापस फिर एक्सप्लेन करूंगा क्या कर रहा हूं मैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिला इन टर्म्स ऑफ सी? तो 4 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. बी क्या मिला? 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1. 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 7 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या मिला? 1/7. अभी हमको सबकी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा? इट इज 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. 2 टाइम्स 2 into 2/7. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है? 4 into प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. तो 4 into 1/7, 4/7. तो ये तुमको मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी. और एक चीज हमेशा याद रखना, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी. तो देखो 4/7 प्लस 2/7 प्लस 1/7, दैट इज इक्वल टू 7/7 एंड इज इक्वल टू 1. मतलब तुम्हारा आंसर करेक्ट है. और ये सब मैंने क्या किया बेटा? व्हाट वाज दिस ऑल अबाउट? इट वाज सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन. 3 हॉर्स थे, इनके मैंने प्रोबेबिलिटी को पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी ले लिया. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. क्वेश्चन में गिवन था कि ए के जितने की शक्ति, क्षमता, एबिलिटी दुगनी है बी से, बी की दुगनी है सी से. तो मैंने, देखो बेटा मैंने सबको सी के टर्म्स में क्यों लिखा? तुम सोच रहे होंगे भैया आपने ये क्यों किया, आपने बी वाले को ए में पुट क्यों किया? बिकॉज मुझे सबका सी के टर्म्स में चाहिए था, तभी मैं इक्वेशन में सॉल्व कर पाऊंगा ना. इस इक्वेशन में जब 1 वेरिएबल होगा तभी मैं सॉल्व कर पाऊंगा. इसीलिए बेटा फिर मुझे सी मिल गया, बी मिल गया और ए मिल गया. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन कम इन दिस ईयर हॉट्स एग्जामिनेशन बेटा. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है बेटा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी एंड सी, बी पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी रिस्पेक्टिवली. ए की शक्ति दुगनी है बी से, बी की शक्ति दुगनी है सी से, तो मैंने बी का इधर वैल्यू पुट किया तो मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिला इन टर्म्स ऑफ सी. और मुझे पता होना चाहिए कि टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 1. बस फिर क्या था, वैल्यू मैंने पुट कर दी. राइट, सो प्लीज बेटा टेक केयर ऑफ दिस, वेरी इंपॉर्टेंट. सो अनअकैडमी ऐप पे भी मैं साइंस वगैरह पढ़ा रहा हूं, तो वहां पर ओके स्पेशल क्लास यूट्यूब पे. एंड टुडे सेशन विल बी हेरिडिटी. ओके सो थैंक यू सो मच.